गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है, मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। मेरी आवाज आ रही है सबको? एक बार क्लियर कर दे, आवाज आ रही है करके। हेलो, आवाज आ रही है जी? बहुत ठीक है, और इनको सुनाई नहीं आ रही। क्या होता है व्यापार, क्या होता है व्यापार, क्या होता है वस्तुओं का आयात, वस्तुओं या सेवाओं का आयात, आयात और निर्यात। आप बताएं अमरदीप, व्यापार क्या होता है? वस्तु और सेवा का आदान क्रय विक्रय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। फिर से बोलिए। वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय, वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय काय के लिए करते हैं, काय के लिए करते हैं? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो गलत हो गया फिर। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए यदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करते तो व्यापार थोड़ी, लाभ कमाने के लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय करना व्यापार कहलाता है। क्लियर? मतलब जहाँ वस्तुएं कम कीमत पर होती हैं वहाँ से खरीद लेते हैं, उसको कुछ प्रोसेसिंग कर सकते हैं या कुछ समय तक उसे अपने पास में रख सकते हैं, फिर कीमत ऊंची कीमतों पर बेचने के इरादे से ये सब कार्य किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? व्यापार। लाभ कमाने के लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय करना व्यापार कहलाता है। अब एक तो सामान्य सी अवधारणा थी व्यापार, ठीक, व्यापार वस्तुओं का लाभ कमाने के उद्देश्य से क्रय एवं विक्रय, ये क्या कहलाता है? व्यापार। लाभ प्राप्त करने के इरादे से। अब क्या होता है व्यापार के यदि प्रकार देखें तो एक स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ये क्या है? व्यापार के प्रकार। अभी इसे समझेंगे। व्यापार के दो पहलू, एक है आयात और दूसरा निर्यात। व्यापार के दो पहलू, एक आयात और दूसरा निर्यात। व्यापार की परिभाषा भी लिख लेंगे। विदेशी व्यापार का तात्पर्य किसी देश द्वारा विदेशों को किए गए निर्यात और विदेशों से किए गए आयात से होता है। अब देखो दो पक्ष, आयात और निर्यात, है तो सबको पता है। आयात मतलब आप अपनी आवश्यकता की वस्तुएं दूसरे स्थान से मंगा रहे हैं, निर्यात जो हमारे यहाँ आवश्यकता से अधिक जिनका उत्पादन होता है
उनको उन क्षेत्रों में ले जाकर बेचना जहां पर उनकी मांग ज्यादा हो या जहां पर उनकी कमी हो, ये निर्यात हो। अब क्यों होता है व्यापार, कारण क्या है व्यापार का? लाभ कमाने के उद्देश्य से तो किया जाता है, ये तो पढ़ लिया, लेकिन फिर भी ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि व्यापार की जरूरत पड़ गई? तो सीधी सी बात है, अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का भली प्रकार से एवं सस्ते मूल्य पर उत्पादन नहीं कर पाना, उत्पादन नहीं कर पाना, अपने आवश्यकता की वस्तुएं वस्तुओं का भली प्रकार से एवं सस्ते मूल्य पर उत्पादन नहीं कर पाना, नहीं कर पाना। एक लकड़ी का काम करने वाला कारपेंटर है, ठीक, फर्नीचर वाला कारपेंटर है, और एक मिस्त्री जो लोहे का काम करता है, लोहे का सेम, लेकिन जब लोहे का काम करने वाले को जरूरत पड़ती है तो लकड़ी का सामान उससे बनवाता है, और लकड़ी के कारपेंटर को यदि लोहे की किसी चीज की जरूरत होती है तो वो लोहे वाले से बनवाता है, क्योंकि दोनों में से कोई भी सारी चीजें बनाने में सक्षम है क्या? जैसे हर देश में होता है, या तो अच्छे तरीके से नहीं बना सकता या उतनी कम लागत पर नहीं बना सकता, उतनी कम लागत पर नहीं बना सकता, एक तो ही कारण हो सकता है। और दूसरा क्या, संसाधनों का असमान वितरण, संसाधनों का असमान वितरण, लिखो देखने से काम नहीं चलता, संसाधनों का असमान वितरण। जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, ये देशों के पास पेट्रोलियम के भंडार है तो पेट्रोल का निर्यात करते हैं, किन्हीं देशों के पास में लोहे के भंडार ज्यादा है तो लोहे का निर्यात करते हैं, कई देशों में जैसे पाकिस्तान जैसे देश में भूमि बहुत ही उपजाऊ है, सिंचित है, तो वो कृषि उत्पादों का निर्यात करते हैं, सीधी सी बात है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो यही है संसाधन होना, जो संसाधन हो के उसी आधार पर वहां पर उद्योग धंधे स्थापित हो गए, वैसे ही वस्तुओं का निर्यात करते रहेंगे। तो दो कारण बताए अपन ने व्यापार में। अब प्रकार में क्या पढ़ा अपन ने, स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। स्थानीय मार्केट क्या होता है, यहां से कुछ ना बड़ा पूछ लेते हैं और वही कंफ्यूज हो जाते हैं, हेमलता बताएंगे स्थानीय मार्केट क्या होता है। हाँ बोलो, आसपास के अपने आसपास के क्षेत्र में व्यापार करना, उसे क्या कहते हैं, स्थानीय व्यापार, है ना? आप क्या बोलोगे? यही बोलोगे आप? स्थानीय व्यापार मतलब कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो बहुत शीघ्र नष्ट होने वाली होती है, शीघ्र नष्ट होने वाली, जैसे दूध, अंडा, दही, पनीर, हरा धनिया, ये ऐसी वस्तुएं जो शीघ्र नष्ट होने वाली होती, हरी सब्जियां, मछली, ये सारी वस्तु। दूसरा, ऐसी वस्तुएं हर जगह भी उपलब्ध होती है, जो भारी होती है, बड़ी होती है और कीमत कम होती है, कम होती है। जो भारी होती है और कीमतें कम होती है, जैसे रेत, रेत को अमेरिका निर्यात थोड़ी करे, गिट्टी, ईटा, ये चीजें ऐसी होती है जहां उत्पादन होता है उसके आसपास के क्षेत्र में बिक जाते हैं। यहाँ की ईटा में अपने गांव ले जाना पसंद नहीं करो, तो उधर ही मिल जाएगी, तो यहाँ से वहां तक ले जाने की कीमत ईट से चार गुना हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, चार गुना हो जाएगी, तो क्यों ले जाऊंगा? समझ में? स्थानीय बाजार किन चीजों का होता है? एक तो वो वस्तुएं जो शीघ्र नष्ट होने वाली, और दूसरा वो वस्तुएं जो
भारी हो और कीमत कम, उन ऐसी वस्तुओं को का जो बाजार होता है स्थानीय बाजार होता है, स्थानीय लोग ही इसका व्यापार करते हैं। ठीक, फिर दूसरा क्या है, प्रादेशिक बाजार या प्रादेशिक व्यापार। प्रादेशिक व्यापार मतलब जब एक प्रदेश के अंदर ही उन वस्तुओं का आयात निर्यात होते रहते हैं, प्रादेशिक तो प्रादेशिक हो गया। एक प्रदेश के अंदर ही, जैसे भोपाल की वस्तु इंदौर में बिक रही है, इंदौर का व्यापारी भोपाल से वस्तु खरीद रहा है, तो ये कौन सा व्यापार हो गया, प्रादेशिक व्यापार। जैसे महाराष्ट्रीय साड़ी महाराष्ट्र में बिकते रहती है, तो ये कौन सी वस्तु हो गई, प्रादेशिक व्यापार। जैसे राजस्थानी पगड़ी राजस्थान में ही बिकते रहती, तो क्या हो गया, प्रादेशिक बाजार। उनसे लाख की चूड़ियाँ और राजस्थानी महिलाएं देखें कि यहाँ तक वो सफ़ेद चूड़ियाँ लाख की चूड़ियाँ पहन रही थी, आपने नहीं खरीदा, इसने कविता ने नहीं खरीदा, देखा तो होगा, तो आपने नहीं खरीदा, जबकि हम तो पड़ोसी है राजस्थान के, यहाँ आते भी हैं वो लोग, हम देखते भी हैं, खुश भी होते हैं, लेकिन उसको डेली उसका उपयोग नहीं है, मतलब वही बिकते रहते हैं, तो वो कौन सी वस्तु हो गई, प्रादेशिक बाजार। राष्ट्रीय बाजार मतलब ऐसी वस्तु जो पूरे देश में चल बिकती, महाराष्ट्र का व्यापारी गुजरात में बेच देता है, जम्मू कश्मीर में बेच देता है, जैसे जम्मू कश्मीर का केसर पूरे भारत में प्रसिद्ध, ऐसी वस्तु कौन सी होगी, राष्ट्रीय बाजार। जब एक देश की सीमाओं के भीतर ही व्यापार होता है तो उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय व्यापार। मुख्य रूप से व्यापार दो प्रकार का, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। जब एक देश की सीमाओं के भीतर ही व्यापार हो रहा है तो राष्ट्रीय, और फिर है अंतर्राष्ट्रीय, मतलब हमारे और उनके बीच में व्यापार, मतलब देश की सीमाओं के बाहर किया जाने वाला व्यापार क्या कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार या इंटरनेशनल व्यापार। क्लियर हो गया, व्यापार क्या है ये पढ़ लिया, व्यापार के घटक कौन कौन से होते हैं ये पढ़ लिया, व्यापार के प्रकार हमने पढ़ लिया मुख्य रूप से दो प्रकार, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय व्यापार में ही स्थानीय और प्रादेशिक व्यापार आता है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये तो पता चल गया अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, दो देश के बीच में या एक से अधिक देशों के बीच में देश की सीमाओं के बाहर। अरे विदेशी व्यापार क्या होता है अर्जुन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार तो पता चल गया, विदेशी व्यापार क्या, एक विशेष राष्ट्र से व्यापार किया जाए। बाह्य व्यापार क्या, देश के बाहर किया जाए, मतलब ये तीनों शब्द अलग अलग हैं लेकिन अर्थ एक ही, आपको क्या लगा अलग है, नहीं एक ही चीज है तीनों, फिर देश की सीमाओं के बाहर किए जाने वाले व्यापार को, दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच किए जाने वाले व्यापार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार, बाह्य व्यापार या विदेशी व्यापार कहते हैं। हिंदी में अलग अलग है, इंग्लिश में एक ही वर्ड है इंटरनेशनल ट्रेड, अब तो नहीं भूलेंगे इसमें। सर इसमें अफीम की जो खेती होती है उसको भी कहा जाएगा कि एक तरीके, जैसे अपने यहाँ पे तो उसको उगाने की परमिशन है नहीं, हाँ फिर आता कहाँ से, विदेश में, कौन सा देश, अफगानिस्तान। अफीम की खेती के कारण ही उसे अफगानिस्तान बोलते हैं, पूरी दुनिया का 99% अफीम जो होता है अफगानिस्तान में होता है, और पूरी दुनिया में उसकी सप्लाई करते हैं, इसलिए तो कोई काम धंधे करते नहीं है आतंकवादी गतिविधियों के लिए, पैसा कहाँ से आता है उनके पास। सेम ऐसे एक रेड चंदन, हाँ ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अवधारणा, यहां से क्वेश्चन उठ सकता है,
कुछ दो तीन बातें लिखवा रहा हूँ, वो आपको नोट करना है। विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है। विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है। अब ये है हेबरलर और रॉबर्टसन, हेबरलर रॉबर्टसन, दोनों अलग अलग है। अब यदि पूछ लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व लिखिए, विदेशी व्यापार का महत्व लिखिए, विदेशी व्यापार से भारत को क्या लाभ है, ये कोई भी क्वेश्चन बनता है तो ये सेंटेंस हम शुरू में ये कथन लिख सकते हैं। क्या बोलो? अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है। किसने बोला है? पहले रॉबर्टसन ने बोला था, फिर बाद में हेबरलर ने भी इसी को स्वीकार किया। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशिष्ट अवस्था है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की विशिष्ट अवस्था है, विशिष्ट अवस्था है। ये बोला है ओहलिन ने, ओहलिन, याद है? किसने बोला? ओहलिन, ओहलिन ने। क्लियर? एकदम दो दो सेंटेंस पढ़े अपन ने, विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है रॉबर्टसन व हेबरलर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशिष्ट अवस्था है, ये किसने बोला? ओहलिन, याद रखना। तीसरा, विदेशी व्यापार विदेशी व्यापार अब आर्थिक विकास का इंजन नहीं रहा। विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन नहीं रहा, ये कहा है? जैकब वाइनर, जैकब वाइनर। कल अपन ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विषय में सिद्धांत पढ़े थे, कौन सा पढ़ा था? एक निरपेक्ष लागत सिद्धांत, निरपेक्ष लागत सिद्धांत। हम लगा तो मोबाइल पे बात कर रही थी तो उसके दिमाग में तो बात आई नहीं होगी, कभी तो मैंने बताया ही थे। निरपेक्ष लागत सिद्धांत, एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी, किसने दिया था? कल तो मैंने दिया था, नाम बताया था जिसने भी दिया था, एडम स्मिथ। निरपेक्ष लागत सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत कौन सा था? तुलनात्मक लागत सिद्धांत, डेविड रिकार्ड, तुलनात्मक लागत सिद्धांत, डेविड रिकार्ड। अवसर लागत सिद्धांत तीसरा सिद्धांत लिखेंगे, एक और लिखेंगे अवसर लागत सिद्धांत, हेबरलर, अवसर लागत सिद्धांत, हेबरलर। बड़ी अच्छी अवधारणा है अवसर लागत।
अवसर लागत सिद्धांत किसने दिया है? हेवर ने। अवसर लागत क्या होता है? ये अवसर लागत मार्शल की अवधारणा, वैसे अवसर लागत ये शब्द उसने बताया और इस आधार पर व्यापार की व्याख्या किसने की? हेवर ने। तो ये अवसर लागत होता क्या है? विशेष अवसर पर लागत में, विशेष अवसर पर लागतों में वृद्धि हो जाएगा, लेकिन विशेष अवसर पर तो कम होता है। ये किताब यही रखी रहती है, ये देखने की चीज है, तो इसको देखना चाहिए। आप और कहीं हरियाली देखते रहते हो बाहर, हाँ, प्रचार देख रहे हो, पेट्रोल पंप पे जा रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, वो सब कोई मतलब की बात नहीं। पढ़ने लिखने की उम्र में एक ही चीज़ है देखने लायक, वो है किताब। तो अवसर लागत, अब मान के चलो एक नदी है, एक नदी है और उस नदी में बारिश में बाढ़ आ जाती है, वहां एक ही नाव वाला है, एक ही नाव वाला है, तो जब जब नदी में बाढ़ आती है उसके लिए तो त्योहार हो जाता है, उसके लिए त्योहार हो जाता है, तो ये उसकी अवसर लागत है, ये अवसर लागत है। लेकिन अब क्या हो गया, अब उसको खर्च आ रहा था 2 रुपए, वसूल कर रहा था 20 रुपए, लेकिन अब देख लिया अमरदीप ने, अर्जुन ने, युवने जी ने, दिनेश ने, योगेश तो कुछ देखता है नहीं, तो उसकी बात अलग है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं, तो इन लोगों ने देखे, इन्होंने भी एक एक नाव खरीद ली। अब क्या हो गया वहां पर? कंपटीशन हो गया। तो कंपटीशन हो गया तो अब पहले 20 वाले ने 15 किया, फिर नया वाला आया था उसने 12 किया, फिर 10 किया, फिर 4 किया, अब धीरे धीरे 3 या 4 रुपए, क्योंकि 2 रुपए तो खर्च ही आ रहा है उसका, 2 रुपए में तो कोई करेगा नहीं, कम से कम 3 रुपए या 4 रुपए करेगा, अब इतने इतने लेने लग गए बस। तो ये जो पहले जो वसूल कर रहा था तो वो अवसर लागत का लाभ था, उसे उसे मौका मिल रहा था, है ना। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी क्या है? अवसर लागत। भाई जहां ऐसा मौका मिलेगा, जहां कंपटीशन कम होगा, तो तब तक लाभ होते रहेगा, और इसीलिए करते रहते हैं। और फिर वो टेक्निक आम हो जाती है, सब लोग वही काम करने लग जाते हैं, तो फिर अब उस एरिया में लाभ कमाने का कोई अवसर नहीं रहता। क्लियर हो गया? अवसर लागत सिद्धांत किसने दिया है? हेवरलर, हेवरलर के द्वारा दिया गया। सैमुएलसन लर्नर एक और सिद्धांत लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार का। सैमुएलसन लर्नर का साधन कीमत समानीकरण सिद्धांत, साधन कीमत समानीकरण सिद्धांत, साधन कीमत समानीकरण सिद्धांत। कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार तब तक होता है जब तक दोनों देशों में कीमतें समान न हो जाए, तब तक व्यापार होते रहता है। अब एक देश बेचते जाएगा दूसरा खरीदते जाएगा, एक बेचते जाएगा दूसरा खरीदते जाएगा। अब जो बेचने वाला है उसके पास तो भंडार था पहले, अब उसने बेचना शुरू किया, खरीदने वाला देश उसके पास नहीं था, उसने खरीदना शुरू किया, तो धीरे धीरे क्या हो गया, दोनों के पास में बराबर हो गया, व्यापार क्या हो गया, बस यही इन्होंने ये बताया। तो क्या? साधन कीमत समानीकरण सिद्धांत, साधन कीमत समानीकरण सिद्धांत। एक है लियोनटिप पैराडॉक्स, ये भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित ही अवधारणा, लियोनटिप पैराडॉक्स।
लियोनटिक पैराडॉक्स या लियोनटिक विरोधाभास। इससे पहले हमें इसको लिखना पड़ेगा, हेक्सर ओली प्रमेय, हेक्सर ओली प्रमेय, हेक्सर हेक्सर ओली प्रमेय। और ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत सीधा था, बड़ा सटीक सा था, साधनों की उपलब्धता, साधनों की उपलब्धता पर, साधनों की उपलब्धता पर। अब जैसे कोई देश कृषि प्रधान देश है, जैसे भारत कृषि प्रधान देश है, तो भारत कौन सी वस्तुओं का निर्यात करेगा? शक्कर का है ना, सोयाबीन ऑयल का, जो कृषि से उत्पाद प्राप्त होते हैं उसी का निर्यात करेगा क्योंकि कृषि प्रधान देश है। ब्रिटेन औद्योगिक देश है, तो कृषि पदार्थों का आयात करेगा और औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात करेगा। ये था इसमें हेक्सर-ओलिन प्रमेय। भाई कोई देश जो है विशेष तकनीक में पारंगत हो जाता है और उन्हीं वस्तुओं का वो निर्यात करते जाता है। क्लियर हो गया? हेक्सर-ओलिन प्रमेय से कहा जाता है। लेकिन लियोनटिक पैराडॉक्स, लियोनटिक का विरोधाभास, उसने इस सिद्धांत का की आलोचना की। अब बोले ऐसा होता नहीं, दरअसल होता क्या है, एक औद्योगिक देश औद्योगिक वस्तुओं का ही आयात करता है और एक कृषि प्रधान देश कृषि प्रधान वस्तुओं का ही आयात करता है। तो ये लियोनटिक पैराडॉक्स, विरोधाभासी से बोला गया। क्लियर हो? लियोनटिक पैराडॉक्स मतलब उसने इस सिद्धांत का क्या किया, विरोध किया, बोला इसका उल्टा होता है। इसने सीधा सा बोल दिया कि ऐसा होता नहीं। भाई अमेरिका पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात, पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करता है, तो जरूरी नहीं है कि वो पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात ही करे, वो पूंजीगत वस्तुओं का ही आयात भी करता है, कृषि से उसका कोई लेना देना नहीं है, ये बोला था। इसे क्या बोलते हैं, लियोनटिक पैराडॉक्स। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लियोनटिक पैराडॉक्स किस सिद्धांत की आलोचना है या हेक्सर-ओलिन सिद्धांत की आलोचना किस अर्थशास्त्री के द्वारा की गई, तो लियोनटिक के द्वारा की गई। क्लियर यहां तक? लियोनटिक पैराडॉक्स। अब लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश करने की विधियां, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश करने की विधियां, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कैसे करें, शुरुआत कैसे होती है। तो नंबर एक, आयात और निर्यात, ये तो सबसे सरल तरीका है। प्रवेश करने की विधियों में सबसे पहला कौन सा, आयात व निर्यात, आयात व निर्यात, पहली विधि आयात निर्यात। दूसरा है संविदा, संविदा विनिर्माण, दूसरा तरीका है संविदा विनिर्माण, संविदा विनिर्माण, निर्माण नहीं बोला हमने, विनिर्माण बोला, कॉन्ट्रैक्ट बनते रहते हैं और मिटते रहते हैं, दो दो चार चार दस दस साल के लिए। जैसे फोर्ड कंपनी, फोर्ड कंपनी क्या बनाती थी, मोटर वाहन बनाती थी, फोर व्हीलर वगैरह बनाती थी। अब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया भारत सरकार से, इतने साल तक हम वाहन बनाएंगे और आपको आपके यहाँ सेल करते जाएंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, अब सरकार ने दोबारा उनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, कुछ ज्यादा डिस्काउंट की मांग कर रही थी और उन्होंने देने से मना कर दिया, तो कंपनी वापस चली गई, कंपनी वापस चली गई। तो इस तरीके से संविदा विनिर्माण में क्या होता है कि स्थानीय व्यापारी से, स्थानीय सरकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है
और वहीं पर उत्पादन करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है? अब आयात निर्यात में क्या हो रहा था, वस्तुएं अपने देश में बना रहे थे और दूसरे देश में ले जाकर बेच रहे थे। अब संविदा विनिर्माण में क्या हुआ कि जिस जिस देश से हमने समझौता किया है अब वहीं पर हमने यूनिट लगा दी, वहीं पर उत्पादन कार्य शुरू कर दिया, वहीं पर बेचना शुरू कर दिया। बात क्लियर अर्जुन? आपको लिखना पड़ेगा अभी एग्जाम में, हो गया एक आध पेपर काय का होगा, पॉलिटिकल कल है सॉरी कल काय का नमस्ते। संविदा विनिर्माण फिर लिखेंगे अनुज्ञप्ति लाइसेंस, अनुज्ञप्ति लाइसेंस, अनुज्ञप्ति लाइसेंस। एक मिठाई की दुकान देखी होगी आप लोगों ने, क्या नाम है मिठाई की दुकान का, बीकानेर स्वीट्स है ना, बीकानेर। दिल्ली में चल जाओ तो वहां पे भी बीकानेर, भोपाल में चल जाओ तो वहां पे भी बीकानेर, बैतूल में आ जाओ तो वहां पे भी बीकानेर, मुलताई में चल जाओ तो वहां पर भी बीकानेर। तो एक आदमी इतनी जगह दुकान कैसे करेगा, कैसे बनाएगा एक जैसे मिठाई, एक आदमी नहीं बना सकता। तो क्या है ब्रांड का नेम होगा, वो दे दिया उदाहरण, नहीं नेम के साथ साथ वो टेक्निक भी दी, नेम के साथ साथ फ्रेंचाइजी जिसे कहते हैं, नाम तो दिया ही दिया साथ में वो टेक्निक भी दी और एक समझौता वो उनके बीच में लाइसेंस दिया कि आप हमारे नाम से हमारे टेक्निक अपना कर वहां पर ये काम कर सकते हो। तो इसे क्या बोलते हैं अनुज्ञप्ति लाइसेंस, चाहे तो इसमें डिटेल में लिख सकते हैं लाइसेंस प्रदान करना एक ऐसी अनुबंधीय व्यवस्था है, अनुबंधीय व्यवस्था है जिसमें एक फर्म बाह्य देश की दूसरी फर्म को रॉयल्टी के बदले में अपने पेटेंट अधिकार व्यापार के रहस्य या तकनीक दे देता है, क्लियर हो गया ये? और इसके बदले में रॉयल्टी लेता है, अगला है संयुक्त उपक्रम, चौथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उतरने का तरीका क्या है, संयुक्त उपक्रम, हिस्सेदारी ले लो कंपनी में, होता है ऐसा है? अब हम पढ़ते हैं ब्रिटेन के सहयोग से, ऐसा तो नहीं उन्होंने पैसा ही दे दिया हमको, नहीं उनकी हिस्सेदारी से उन्होंने बोला कि हम इतना पैसा लगाते हैं इतना लाभ का प्रतिशत हमारा संयुक्त उपक्रम। संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां स्थापित करना, ये पांचवा पॉइंट है। जो जनक कंपनी है वो दूसरे देश में नई कंपनी पूर्ण रूप से, जैसे संयुक्त उपक्रम में तो ये हुआ दोनों की पार्टनरशिप है लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में, जैसे यहाँ भोपाल में थी क्या नाम बताया था मैंने, वो MIC वाली, हाँ MIC वाली यूनियन कार्बाइड, जॉन एंडरसन की कंपनी, अमेरिकन व्यक्ति की कंपनी, भारत सरकार में कोई उसकी हिस्सेदारी थोड़ी थी, वो उसी की कंपनी थी। तो ऐसी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी भी स्थापित कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के निर्धारक तत्व,
अंतरराष्ट्रीय व्यापार की निर्धारक तत्व, किस किस आधार पर व्यापार होगा या नहीं होगा। अब एक जैसी तकनीक है, एक जैसी लागत आ रही है, एक जैसे साधन है, तो वहां व्यापार होगा क्या उन देशों के बीच में? नहीं भाई, व्यापार करने के लिए कुछ ना कुछ तो अंतर होना चाहिए। तो सबसे पहला अंतर इसमें लिखेंगे प्राकृतिक निधि या प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक निधि या प्राकृतिक संसाधन सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है व्यापार का, सबसे महत्वपूर्ण। जैसे इन्होंने बोला था इवने जी ने अफीम, भाई उसके बाद होता है इसलिए वो निर्यात करता है, ठीक। इसके अलावा कुछ है ही नहीं उनके पास में। अब सऊदी अरब या कतर जैसे छोटे छोटे देश निर्यात, पेट्रोल निर्यात करते हैं, पेट्रोल का निर्यात करते हैं, क्यों करते हैं? उनके पास है इसलिए करते हैं। ऐसा थोड़ी कि दूसरे देश से आयात करते हैं, फिर प्रोसेसिंग करते हैं, फिर निर्यात करते हैं, ऐसा नहीं है। जिस देश के पास हम चाय का निर्यात करते हैं, श्रीलंका चाय का निर्यात करता है क्योंकि झाड़ियों के रूप में चाय पत्ती हमारे यहाँ बहुत अधिक उत्पादन होता है। तो जो संसाधन होंगे उसी का निर्यात करेंगे, वही व्यापार की महत्वपूर्ण वस्तु हो। दूसरा है टेक्नोलॉजी, तकनीकी स्थिति। दूसरा कारण क्या है? तकनीकी स्थिति। अब किसी के पास में लोहे के भंडार है, लोहे के भंडार है, अब चाहे तो कच्चा लोहा ही निर्यात कर दो या अयस्क ही निर्यात कर दो या फिर उससे स्टील बनाओ, इस्पात बनाओ, फिर निर्यात करो। अभी आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर। अफ्रीकन देश ऐसे कई है जहाँ संसाधन भरपूर है लेकिन उसको उन संसाधनों का दोहन करने की टेक्नोलॉजी उनके पास में नहीं है, तो आज भी वो देश जो है वो गरीब बने। बात क्लियर है? टेक्नोलॉजी का होना भी बहुत जरूरी है। कुछ देश क्या करते हैं, भारत से कच्चा माल खरीद लेते हैं, जैसे ब्रिटेन यही तो करता था ना, यहाँ से कपास लेके जाता था अपने देश में, अब वहां से कपड़ा बना के लाता था और हमको ही टोपी पहना देता था और अमीर हो गया, अमीर हो गया। अब हमारे यहाँ व्यापारी भारत में भी यही तो करते हैं, किसान के पास जब प्याज का उत्पादन होता है तब 10 रुपये मार्केट में बिकता है, व्यापारी तो 5 रुपये खरीदता है, मार्केट में 10 रुपये बिकता है। जैसे ही देखा किसानों के पास में कुछ नहीं तो वो अपने अपने गोडाउनों में ताला लगाते हैं और अमरनाथ यात्रा पे चले जाते हैं। इधर लोगों को प्याज ही नहीं मिलता, प्याज ही नहीं मिलता, फिर उधर से आएंगे और 2 बोरे निकालेंगे, बोलेंगे 50 सड़ जाए तो पूरा जाएगा लेकिन बेचेंगे तो हम फिर 2 ही बोरे, अब बोलेंगे 70 रुपये किलो। फिर जब वो बिक जाएगा आदमी खाएंगे उतने ही, बस वो गोडाउन से बाहर नहीं निकालेंगे, फिर 2 बोरे निकालेंगे, फिर 2 बोरे निकालेंगे और ऐसा वसूल करते चले। ये क्या है? तकनीक, टेक्नोलॉजी, ठीक। तीसरा लागत में अंतर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए का निर्धारण करने वाला कौन सा लागत में अंतर। अब जैसे दो देश वो बताए निरपेक्ष लागत, निरपेक्ष लागत, यदि कपड़े की एक यूनिट की लागत भारत में 300 आ रही है, ब्रिटेन में 200 आ रही है, तो ब्रिटेन भारत अब उत्पादन क्यों करेगा जब ब्रिटेन से उसे 200 रुपए में मिल रहा है और अपने यहाँ पर 300 रुपए में बन रहा है, तो हम नहीं करेंगे। तो ऐसे लागत में अंतर भी, ये भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यदि दोनों देशों में एक जैसी लागत आ रही है तो फिर आयात निर्यात नहीं। नई आर्थिक प्रणाली, नई आर्थिक नीतियां, नई आर्थिक नीतियां, नई आर्थिक नीतियां। अब नई आर्थिक नीतियों में क्या किया है? निर्यातों को प्रोत्साहन किया है, भाई तुम बेचो दूसरे देश में, अपने यहाँ इतना उत्पादन हो रहा है तो इसका करेंगे क्या? लाभ तो तभी होगा ना जब दूसरे देश में ले जाके बेचोगे, नहीं तो मंदी आ जाएगी हमारे यहाँ पर। भाई कपड़ा बना रहे हो, हर साल की 10 नई कंपनियां बन रही है, कितना कपड़ा पहनेगा अमरदीप? दिक्कत है, ये कंपनियां तो तभी सक्सेस होगी जब आप विदेशों में ले जाकर बेचोगे। तो इसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है, जैसे उसमें से एक है शुल्क वापसी योजना। ये आधुनिक जो विधियां प्रारंभ नई आर्थिक प्रणाली उसमें एक है शुल्क वापसी योजना।
कि यदि आप विदेशों में निर्यात कर देते हो, बेच देते हो, तो जो टैक्स लगा है वो वापस दे दिया जाएगा। उत्पाद शुल्क वगैरह भी, उत्पाद शुल्क लगाया किसी वस्तु का उत्पादन किया, जैसे एक हीरो मोटरसाइकिल बनाई, अब उसके ऊपर 30% उत्पाद शुल्क लगा है, ठीक। और वो बोला कि यदि आप भारत में बेचोगे तो 30% उत्पाद शुल्क हम ले लेंगे, भारत के बाहर बेचोगे तो तुम्हारा उत्पाद शुल्क वापस दे देंगे। भाई इसको मिलेगा ना निर्यातों को प्रोत्साहन, तो क्या है शुल्क वापसी योजना। अगला है विक्रय कर के भुगतान से छूट। विक्रय कर के भुगतान से छूट ये बोला गया कि यदि अब ये तो उत्पाद शुल्क का था पहले, अब दूसरे में विक्रय कर, बिक्री कर जिसे कहते हैं, है सेल टैक्स, ये भी यदि आप देश में बेचोगे तो आपको लगेगा, बाहर बेचोगे तो नहीं छूट दे देंगे, तो होगा ना अंतरराष्ट्रीय व्यापार ऐसा। फिर अग्रिम लाइसेंस योजना, अग्रिम लाइसेंस योजना, उनको लाइसेंस दिया जाता है कि आप तो उत्पादन करो, बिकवाने की गारंटी हमारी नहीं, हम अपनी शर्तों पर अपने नियमों के अधीन आपका सामान विदेशों में बिकवा देंगे। निर्यात संवर्धन क्षेत्र, निर्यात संवर्धन क्षेत्र क्या होता है, जैसे ईपीजेड, एसईजेड, एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो ऐसे क्षेत्र स्थापित किए गए हैं ताकि विदेशों से निर्यात करने के लिए सारी सुविधाएं एक ही जगह पर उनको मिल जाए। तो ये क्या है, निर्यातों में वृद्धि करने के लिए। एक निर्यात वित्त, निर्यात वित्त, ये क्या होता है निर्यात वित्त, निर्यात वित्त मतलब ऐसी कंपनियां जो विदेशों में निर्यात करना चाहती है, उत्पादन करके विदेशों में निर्यात करना चाहती है, तो इनके लिए अलग से ऋणों की व्यवस्था है, दूसरे क्या बोलते हैं निर्यात वित्त, जैसे होम लोन होता है उस तरीके से निर्यात वित्त की भी सुविधाएं दी जाती है कि कोई कंपनी जो है विदेशों से व्यापार करना चाहती है लेकिन अभी उनके पास वो साधन नहीं है तो सरकार से वो फंड भी ले सकती है। जैसे एक मूवी अभी आई थी पैडमैन करके, हाँ उस टाइप से, मैं नहीं देखी है। मैंने वो नहीं देखी। अब विदेशी व्यापार के लाभ क्या है, आज सीधा सिंपल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कल डायरेक्ट भुगतान संतुलन पढ़ेंगे। व्यापार से लाभ या अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ, क्या क्या लाभ हो सकते हैं, कविता मैडम कुछ बताएंगे क्या? बड़ा ऐसा लग रहा है कि आज का टॉपिक उतना पढ़ाने लायक है नहीं, लेकिन हम पढ़ रहे फिर भी, क्योंकि भुगतान संतुलन तक पहुँचने के लिए इसे इसके ऊपर चर्चा करना बहुत जरूरी है। क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इमेजिन करो आप कि आप एक बहुत बड़े व्यापारी हो और विदेशों से व्यापार हो रहा है आपका, कोई भी पूछ रहा है शायद पार्टी में इधर उधर, क्या करते हैं आप, तो आप बोलते हैं मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती हूँ। सोचो ऐसा, इमेजिन करो, तो क्यों करते हो आप ये सब, क्या मिलता है आपको, धन की प्राप्ति होती है और धन की प्राप्ति होती है और भी बताओ ना, सही बोले धन की प्राप्ति होती है और क्या होता है, सब तकनीकी का हस्तांतरण होता है, तकनीकी का हस्तांतरण होता है और क्या होता है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी बात जो हमारे संसाधन है उसका उपयोग हो जाता है। अब 10 रोटी बन गई, 4 की हमें भूख है, 4 खा रहे हैं, अब 6 का क्या करें, तो उसका कहीं ना कहीं या तो बेचना ही पड़ेगा, बेचेंगे तो लाभ हो जाएगा, नहीं तो खराब तो वो हो जाएगी, तो बेचेंगे है।
यही है। लिखेंगे सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण दोहन, प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण दोहन। आवश्यकता की वस्तुओं की प्राप्ति, आवश्यकता की वस्तुओं की प्राप्ति। भाई विदेशी व्यापार करेंगे तभी तो जरूरत की चीजें मिलेंगी, ये तो पता चला कि जिस चीज की जरूरत है वो हमें मिलती नहीं रही। उत्पादकों को लाभ इससे, उत्पादकों को लाभ, जैसे इन्होंने बोला धन की प्राप्ति, लाभ कमाते हैं, एक देश से कम कीमत में खरीदते हैं, दूसरे कीमत में, दूसरे देश में ज्यादा कीमत में बेच देते हैं, तो इससे लाभ प्राप्त होगा। व्यापार की शुरुआत ही जो है वो लाभ से होती है। लाभ शब्द को हटा दिया जाए तो कोई वो काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। तो उत्पादकों को लाभ, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। अब इस बहाने हम दूसरे देशों की मदद भी कर सकते हैं, भले ही पैसे ले रहे हैं लेकिन मदद तो कर सकते हैं। जैसे कोरोना काल था, ऑक्सीजन का सिलेंडर कितना महंगा बिक रहा था, महंगा बिक रहा था, लेकिन क्या था कि उस समय लोग पैसे लेके घूम रहे थे, जेब में बेग के बेग पैसों के भरे हुए लेके घूम रहे थे, लेकिन कोई उनको हॉस्पिटल में जगह देने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनको जिस चीज की जरूरत थी वो हॉस्पिटल में थी नहीं। अब यदि कोई बोलता कि मैं 10 लाख रुपए लूंगा लेकिन मेरे पास है, तो बोले कि ला भाई जल्दी दे, पैसे जितना लेना हो उतने ले ले। तो उस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है, कहीं अकाल पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो अब उस देश में तो कुछ बचा नहीं, फिर दूसरे देश से व्यापार के माध्यम से ही मंगा सकते हैं। सरकार को राजस्व की प्राप्ति, सरकार को राजस्व की प्राप्ति। राजस्व यानी क्या जी? कर, मतलब जो करों से प्राप्त होने वाली आय, राजस्व कहलाता है। भाई वस्तुएं यहां से बाहर जाएगी तो भी टैक्स लेंगे, विदेशों से वस्तुएं हमारे देश में आएगी तो भी टैक्स लेंगे, तो सरकार को आय में प्राप्ति होगी। फिर है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। देश का आर्थिक विकास, लास्ट पॉइंट, देश का आर्थिक विकास। बाकी जितने आपको समझ में आए वो सब लिखते हैं, देश का आर्थिक विकास। अब इससे हानियां क्या होती है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। हानियां, भारत से बेहतर कौन जान सकता है विदेशी व्यापार से क्या हानियां होती है, क्योंकि जो भी आया था यहाँ पर व्यापारी बन के ही आए थे, चाहे फ्रांसीसी आए हो, अंग्रेज आए हो, डच आए हो, सब काय के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए ही आए थे। जो सबसे पहले आए थे वो सबसे बाद में है, कौन थे? पुर्तगाली। तुम तो समझदार है, कहाँ पढ़ लिया ये सब आपने? बुक में पढ़ा। आप ये बोल सकते थे कि स्कूल में पढ़ा, घर में पढ़ा, कुछ तो बोल सकते थे। लिखेंगे आत्मनिर्भरता में कमी, पहली हानि क्या होती है, आत्मनिर्भरता में कमी। अब जो चीज हमें आसानी से मिलने लग जाती है फिर हम उसके बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और फिर पूर्ण रूप से उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, और उसमें थोड़ा सा भी करवट बदली तो हमारी आफत हो जाती है। क्लियर है? आत्मनिर्भरता में कमी। दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों की शीघ्र समाप्ति, प्राकृतिक संसाधनों की शीघ्र समाप्ति। अब हम संसाधनों का कुशलता से उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ लाभ कमाने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं, तो बेचते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं, ये देख ही नहीं रहे कि ये प्राकृतिक संसाधन है एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे, हम बेचते रहेंगे और फिर बाद में हमें खरीदना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों को ये मिलेगा नहीं, तो संसाधनों की शीघ्र समाप्ति। राष्ट्रीय सुरक्षा में कमी, राष्ट्रीय सुरक्षा में कमी। और जैसे इन्होंने अफीम का उदाहरण दिया, तब हमारे यहाँ अफीम का व्यापार ही प्रतिबंधित है, फिर भी कैसे पहुंच जाता है, क्योंकि दूसरी वस्तुओं के व्यापार की हमने छूट दी, तो उसके साथ में इसका भी व्यापार हो ही जाता है।
अपने यहाँ चंदन का नहीं होता है ऐसा क्यों सर? वैसे तो जरूरी रहता है भारत में उसका उपयोग, बाकी उसकी खेती करना यहाँ पे इनलीगल क्यों माना जाता है? खेती करना इनलीगल नहीं है, खेती करना इनलीगल नहीं है, उसकी खरीदी बिक्री करना इनलीगल है। आप खेती करो, लाइसेंस दो और उसकी खेती करो और फिर बेचो आप सरकार की अनुमति से। जैसे सागौन की खेती भी सेम वैसे ही है, आपको अनुमति लेके करना है क्योंकि बहुत कीमती चीज है ये। यदि आम चीज आम हो जाएगा तो फिर सरकार को राजस्व की प्राप्ति नहीं होगी उसका है। वे किसी भी चीज की कीमत बढ़ाना है तो उसके ऊपर शर्त लगा दो, एक तो कीमतें अपने आप ही बढ़ जाती है। गुटखा खूब बिकता था भारत में, खूब बिकता था, सरकार को कोई इनकम ही नहीं हो रही थी, उसको उसके ऊपर बैन कर दिया। एक बड़ी व्यापारिक वस्तु अब वो बन गई है। प्रतियोगिता के कारण हानि, प्रतियोगिता के कारण हानि। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण दूसरे दूसरे देशों की वस्तुएं आती है बिकने के लिए एक ही जगह पर, एक अमेरिका के आगे, ब्रिटेन के आगे, जापान के आगे, फिर भारतीय ने भी एक झुंझुना रख दिया वहां पे, उसको कोई देख ही नहीं रहा, बोलते तो ऐसे ही है, हम अमेरिका की वस्तु खरीदने के बारे में सोच रहे हैं क्या? मेड इन चाइना की देख रहे हैं, मेड इन जापान देख रहे हैं, मेड इन अमेरिका देख रहे हैं, लेकिन अपने देश की वस्तु को कोई भाव नहीं देता, बोलते ये तो गार्बेज बन जाती है। तो फिर उससे क्या होगा? अपने देश का जो बाजार है वो गड़ जाता है। अब जैसे ये जो मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है, मल्टीनेशनल कंपनियां, अब देखो ढेर सारे मॉल और ये वो खुलने लग गए हैं, ऑनलाइन शॉपिंग होने लग गई, तो जो छोटे छोटे दुकानदार थे ना उनका पूरा मरण हो गया, खत्म हो गई वो दुकान। राजनैतिक, राजनैतिक पराधीनता, राजनीतिक पराधीनता। अब इसमें क्या है, एक तरीके का नया उपनिवेशवाद शुरू हो गया है कि आपको क्या चाहिए, गेहूं चाहिए, ठीक है गेहूं तो तभी देंगे जब आप अपने यहाँ का संगमरमर हमें देंगे। ऐसे बड़े देश शर्तें थोप देते हैं, छोटे देश के पास यस बोलने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। तो इस तरीके से मतलब दूसरे देश के व्यापार पर भी कब्जा हो जाता है। जैसे श्रीलंका का कौन सा बंदर का हम्बनटोटा बंदर का, चाइना ने 99 साल के लिए लीज पे ले लिया, तो वो एक तरीके से गुलाम हो गया। अब उसका कोई जहाज अपने काम से भी भेजना है तो चाइना से परमिशन लेना है उसको, चाइना को टैक्स देना है उसका, जबकि देश उसका, पानी उसका, जहाज उसका, टैक्स कोई और। तो ये क्या हो गया, राजनीतिक स्वतंत्रता। अंतरराष्ट्रीय वैमनस्य, अंतरराष्ट्रीय वैमनस्य, आर्थिक संबंध खराब होते हैं, एक देश फिर दूसरे देश का सपोर्ट करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे युद्ध जैसी स्थिति बनने लगती है। देश की आर्थिक स्थिरता व नियोजन को हानि, देश की आर्थिक और स्थिरता व नियोजन को हानि। ये है आर्थिक अस्थिरता, मतलब जब तक वो देश जैसे वो वेंटिलेटर होता है ना उस तरीके की स्थिति हो जाती है, दूसरा देश जब तक सपोर्ट कर रहा है तब तक ठीक है, जैसे उसे हटाया डेथ होना एकदम पक्का है। तो वैसे दूसरा देश जब तक अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सपोर्ट करते रहता है हमारा गुजारा चलते रहता है, जैसे वो मना कर देता है काम एकदम बिगड़ जाता है। तो आज हमने अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, क्या तकनीक है, लाभ क्या है, हानियां क्या होती है, ये सब हमने पढ़ लिया। कल हम ठेठ मतलब सीधा सा पढ़ेंगे भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार भारत का साथ ही भुगतान संतुलन, व्यापार में और भुगतान संतुलन में थोड़ा सा अंतर है। व्यापार संतुलन में केवल व्यापार की बात की जाती है, दृश्य और अदृश्य, दृश्य मदों की बात की जाती है, और भुगतान संतुलन में एक देश द्वारा शेष विश्व के साथ निश्चित समयावधि में जितने भी आर्थिक लेन देन किए जाते हैं,
मतलब दृश्य मदों के साथ साथ अदृश्य मदों के लेन देन को भुगतान संतुलन कहते हैं। व्यापार संतुलन कभी अनुकूल होता है, कभी प्रतिकूल होता है। व्यापार संतुलन खाते में हमेशा अनुकूल प्रतिकूल दिखाया जाता है, भाई इतने का हमने आयात किया और इतने का निर्यात किया, बंधारे लगा लो, अनुकूल है या प्रतिकूल है। लेकिन भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित दिखाया जाता है, क्यों? कॉमर्स वाला है क्या कोई यार? नहीं है? उसको जमा में दिखा देते हैं, ठीक। तो उसमें क्या होता है, उधारी करके दिखा देते हैं, नीचे का टोटल हमेशा कैसे दिखाया जाता है, बराबर दिखाया जाता है। तो जो उधारी का जो है वो आंकड़ा बढ़ते चला जाता है, भुगतान असंतुलित हो जाता है, प्रतिकूल मतलब एक देश के लिए हानिकारक हो जाता है। तो बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा इसमें पढ़ेंगे हम, तो कल की क्लास भी महत्वपूर्ण रहेगी। मिलते हैं कल ऐसी बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।